हिपोक्रेसी का भी एक सीमा होता है, ठीक है। मतलब मैं ये वीडियो बनाने के पहले एक मिनट हंस रहा था, मैं ये पहले ही देखा था जो रियलमी ना रियलमी का कलर ओएस के अंदर एड ले आ रहा है। मतलब कलर ओएस जो है ये मेरे तो ओप्पो का है, तो ओप्पो कलर ओएस में आपको एड देखने को मिलता था पहले से, पर रियलमी वालों ने यह पहले रियलमी 3 का जो लॉन्च इवेंट था उस इवेंट को अगर देखेंगे तो उस इवेंट में जब रेडमी प्रोबेबली 7 नोट 7 के साथ कॉम्पेरिजन किया था, उधर उस लोगों ने दिखाया था वी डोंट सेल एड। तो वो जो बात था वो अभी देखो, और खुद लोगों ने ऐड को सेल करना शुरू कर दिया। और इसके लिए आप अगर रियलमी का कम्युनिटी में जाओगे तो उधर एक प्रेस रिलीज देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। तो उधर दिखाया जा रहा है जो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो लोग उसका कलर ओएस के अंदर ऐड ले आ रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है, अभी दो सेक्शन के अंदर आपको ये ऐड देखने को मिलेगा। एक तो है फोन मैनेजर सेक्शन के अंदर। फोन मैनेजर सेक्शन बेसिकली MIUI 10 में जो सिक्योरिटी चेकिंग का जो सेक्शन है, इस तरह का ये सेक्शन है जिधर आपको रैम क्लीन, कैच क्लीन की तरह तरह एंटीवायरस की तरह कुछ फीचर देखने को मिल जाता है वगैरह वगैरह। तो ठीक ऐसा ही ये फीचर इधर भी देखने को मिलता है, वो सेक्शन के अंदर आपको ऐड देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड और एक सेक्शन, ये जो कलर ओएस के अंदर ठीक ऐसा MIUI 10 में भी है, मतलब कोई भी एप्स आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एक खुद का सिक्योरिटी चेक करता है ये UI। मतलब वो गूगल का प्ले प्रोटेक्शन जो है सबसे बेस्ट जो प्रोटेक्शन देता है हम लोगों का एप्स के ऊपर, उससे उस लोग खुश नहीं है। वो अलग से कोई चीज़ इंस्टॉल करेगा, मतलब देखेगा उसका अंदर कुछ है या नहीं, तो उसके अंदर भी आपको ये ऐड देखने को मिलेगा। बट बात अभी इधर नहीं है, मतलब इन फ्यूचर जाकर ये जो ऐड है ये ऐड और भी कोई सेक्शन में देखने को मिलेगा इस तरह का नहीं है। मतलब कलर ओएस के अंदर जो डाउनलोड सेक्शन है उधर भी देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, बताया भी आपको नहीं जाएगा, उधर आ जाएगा कोई अपडेट की तरफ पर, कोई ऐप अपडेट करेंगे उस टाइम, उसका साथ आपका जो फाइल मैनेजर है फाइल मैनेजर जब ओपन करेंगे उस टाइम भी आपको हो सकते हैं कंप्लीट डिस्प्ले में आकर एक पॉपअप ऐड आ जाए, इस तरह का हो सकता है इन फ्यूचर जो हम लोग MIUI 10 में देखने को मिलता है। हालांकि MIUI ये जो कलर ओएस में है, कलर ओएस 6 राइट नाउ जो है इसमें अपडेट की तौर पर दिया जा रहा है, एंड कलर ओएस 7 में जो देखने को मिलेगा तो उधर आपको वन क्लिक में आप ये जो ऐड का ऑप्शन है ये कंप्लीट किल कर सकते हैं, जो आपको सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है, काफी अच्छा है। बट बात अभी उधर नहीं है, आप लोग एक टाइम बोला था जो आप लोग आपका UI के ऊपर किसी तरह कोई ऐड नहीं देखेंगे, बट आज आप ये देख रहे हैं, ये सबसे खराब चीज है। ये आप लोग का जो वादा करा था हम लोगों के पास तो वो आप नहीं रखा, और ये इससे क्या हुआ है, एक कंपनी का जो रेपुटेशन होता है ना, रेपुटेशन भी काफी लो होता है। बिकॉज ऑफ एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है उसके साथ उसका कंपनी का रेपुटेशन देखने को मिलता है। जैसे वन प्लस को देखोगे, वन प्लस का जो फ्लैगशिप फोन होता है उसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छा है बिकॉज ऑफ उसका UI। कलर ओएस वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट टाइप का आपको UI एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इसके लिए वन प्लस का फोन काफी सेल होता है। ठीक ऐसा रियलमी भी ये सब चीज करके उसका जो रेपुटेशन है वो उसका डैमेज कर रहे हैं। तो अभी देखो ये जो ऐड है, ऐड तो आपको देखा दिया इस तरह से आप बंद कर सकते हैं, बट ये सभी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। बिकॉज अब आप देखेंगे, आप एक फोन लिया, मतलब देखो पांच लोग को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 3 लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इधर से फोन को अपडेट करना पड़ता है। तो इस तरह से अपडेट करेंगे तो ये नया फीचर है, वो फोन ले लिया पहला दिन बस, उसका बाद वो यूज करते रहे, कोई भी चीज नहीं करते। इवन कुछ ऐप्स होता है जो ऐप्स एक टाइम की बार आउटडेटेड होता है, उस टाइम यूज भी नहीं होता है, मतलब उस तरह का होता है। जब तब वो लोग पता करते हैं ये ऐप्स को अपडेट करना है तो अपडेट का ऑप्शन में जाता है तो प्ले स्टोर ऑटोमेटिक जाता है, उधर से अपडेट कर लेता है। तो इस तरह का कंडीशन में काफी सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो समझ सकते हो। तो उस लोगों के लिए क्या होगा, जब नया फोन लेगा तो पहला दिन से ऐड देखते रहेगा और कंपनी को ये रेवेन्यू जाते रहेगा। ठीक और कुछ पब्लिक होता है जिस लोगों को ये सब चीज के बारे में उतना पता नहीं है, बट उस लोगों को किसी ने बोल दिया आपका इधर जो है फोन को अपडेट का सेक्शन है, इधर कुछ दिन बाद जाकर एक बार चेक करना, कुछ अपडेट आया तो अपडेट कर लेना, तो उससे आपको क्या होगा आपका जो फोन है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन बाद जाकर एक चेक करते हैं अपडेटर से, अपडेट आया तो अपडेट कर लिया, हो गया। तो उस लोगों के लिए क्या होगा, पहले नहीं था, अब अपडेट करके वो ऐड का सेक्शन आ गया तो कुछ भी काम करते जाएगा तो उधर ऐड देखने को मिल जाएगा, तो उससे भी क्या होगा कंपनी को रेवेन्यू जाते रहेगा। तो ये सब चीज से क्या होगा, वो लोग बदा होता रहेगा, हेजिटेट होता रहेगा, तो इससे क्या होगा Realme का रेपुटेशन खड़ा होगा। और Realme का तो हिपोक्रेसी की बात छोड़ ही दो, जो हम लोगों को Realme 3 Pro के लॉन्च इवेंट में हम लोगों को बोला था वो लोग ग्लास नहीं दे रहा है, वो उस लोग बोल नहीं सकते। एंड Redmi Note 7 में जो कैमरा दिया गया था Note 7 Pro में, वो कैमरा की साथ Realme 3 Pro का कंपैरिजन कर रहा था, बट 48 मेगापिक्सल कैमरा है, ओवरऑल अच्छा है, Realme 3 Pro से थोड़ा अच्छा है। मैं इवन दोनों फोन का कंपैरिजन में भी बोला था Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro, ये चीज Realme ने दिल से नहीं ले पाता है, ये सब चीज देखा जाता है। और Realme का कारण भी तो देख ही सकते हो, Realme और Xiaomi के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, और Xiaomi भी Realme के ऊपर हंसेगा, मतलब वो दो कंपनी दो भाई भाई हो गया, जो चीज Xiaomi पहले कर रही वही चीज Realme भी करने लग गया।
तो यही था बोलना। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज नीचे कमेंट करो, कुछ भी जानना है तो और भी नीचे जरूर कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट का आंसर देने का ट्राई करूंगा। और ये जो थ्रेड है जिससे आपको पता चल जाएगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थ्रेड, उधर से आप पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज वीडियो में लाइक दिया कर, हम लोग को लाइक करके फील करना। चैनल में नए पर जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो जरूर रियलमी यूजर को शेयर करो तो उसको ये सब के बारे में पता चल जाएगा। इन फ्यूचर अगर ऐड देखने को मिलता है तो फीचर शो ऑफ करेगा वो भी उसको पता चल जाएगा। टाटा।